देखिए, प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है, आज से 10 महीने पहले मेरे कुछ डिलीवेजर भाई 180 बंदे रेगुलर हो गए, उनके 10 महीने की सैलरी अभी तक बंद है, वो रिलीज़ नहीं की गई है, नामालूम वजहों से उनकी सैलरी को बंद रखा गया है। और जो हमारी सैलरी है, हम चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, PDD बॉर्न है, तो उसी सैलरी, बिल्कुल हम परमानेंट मुलाजिम है, उसी सैलरी हेड से हमारी सैलरी वागुजार हो जिससे हमारे पेरेंट डिपार्टमेंट की होती है, हमें ग्रांट इन एड की ज़रूरत नहीं है। इनको डिपार्टमेंट को क्या करना है क्या नहीं करना है हम उस झमेले में नहीं पढ़ना चाहते हैं। मेरे जो डिलीवेजर्स भाई हैं वो काम तो कर रहे हैं लेकिन उनकी सैलरी नहीं मिल रही है, उनकी तादाद लगभग 6,000 तक है और जो दूसरे 6,000 है उनकी सैलरी 9,000 रुपये है। जब उनको 2 महीने बाद सैलरी मिलेगी तो वह अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करेंगे? हमारी ज़िंदगी बसर नहीं हो रही है इन पैसों पर, तो उनकी कैसे बसर होगी? कुछ मेरे डेलीवेजर्स भाई जो शहीद हुए हैं, जो नाकारा हुए हैं, उनके लिए कोई पॉलिसी मुरतब नहीं हो रही है, उनके नेक्स्ट ऑफ किन उनके लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है। अगर उनका एक्सग्रेशा मिलता है वो 2-2 साल बाद मिलता है। यही चीज़ें चाहते हैं।